स्वागत है आपको एक्सीलेंट क्लासेज। चलिए आज हम लेकर के आए हैं समांतर श्रेणी का पार्ट थर्ड। जी हाँ, पार्ट थर्ड में जो है आप देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन को जो है हल करते हैं, और ये पार्ट थर्ड आपके लिए बहुत ही खास है। और आज का जो भी वीडियो है बहुत ही जो है आपके लिए नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक बना रहे और पढ़ाई का आनंद लेते रहे। यदि आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे दबा ले, और बेल आइकन में जो है ऑल है उसे आप ऑल कर ले। चलिए आते मिलते हैं ये क्वेश्चन के। टाइप फाइव तक जो है ना कल आपको हम करा दिए थे, आज हम लेकर के आए हैं टाइप सिक्स। क्या लेकर के आए हैं? टाइप सिक्स। इसमें जो है टाइप फाइव में हम लोग सीखे थे कि जैसे कि इस टाइप का जो है कुछ जो सवाल जो है दिया हुआ था, जिसमें क्या था कि श्रेणी का एक बीसवा पद निकाले, इक्कीसवा पद निकाले, या जो है तीसवा पद निकाले, एक सौ एकवा पद निकाले, तो उसमें शुरू से जो है निकालते थे, तो वो शुरू से लिखा रहे या ना लिखा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे? शुरू से निकालेंगे। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर क्या है वो आप देख लीजिए। क्या बोल रहा है कि 12, 15, 18, 21 डॉट 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 132 का अंत से इक्कीसवा पद निकालना है। क्या निकालना है? अंत से इक्कीसवा पद निकालना है, ठीक है? अंत से बोल रहा है 3 समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट 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 253 का अंत से बीसवा पद ज्ञात करें, 13, 17, 21 डॉट 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 89 का अंत से सातवा पद निकालें। तो क्या करेंगे इसके लिए? अंत से बोल रहा है तो अंत से जो बोल रहा है ये इसके लिए क्या करेंगे? ये तो जो है अभी आरोही क्रम में है, तो इसे हम लोग अवरोही क्रम में लिख लेंगे। क्या करेंगे? अवरोही क्रम में लिख लेंगे। जैसे सवाल नंबर फर्स्ट का जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखते जाइए वीडियो को, इसमें मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में अक्सर मिस करके आते हैं और उसको जो है गलती हो जाता है, जिसके लिए उसको जो है नंबर जो है नहीं आ पाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे कहता है कि हम 100 में 100 बना के आए, लेकिन फिर भी जो है हमारा 5 अंक कट गया, 2 अंक कट गया, और कैसे ये हो गया? जब उससे क्वेश्चन देखते हैं, उससे पूछते हैं कि तुमने इसको कैसे बनाया, तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि जैसे वो समांतर श्रेणी का जो है आरोही क्रम में जो है बनाता रहता है कि कुछ नहीं पूछे तो उसे क्या समझेंगे हम लोग? शुरू से, तो शुरू से बना के रहते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये आरोही क्रम में तो दिया हुआ है, लेकिन क्या बोल रहा है कि अंत से, तो पहले क्या करेंगे इसको हम लोग अवरोही क्रम में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है इसको लिख लेंगे। बच्चे जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर में जो बना के आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसको मिस्टेक हो जाता है, तो इसको हम लोग घटते क्रम में पहले लिख लेंगे। तो ये 132 लास्ट टर्म है, तो ये अंत से क्या हो जाएगा हमारा? ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा, है कि नहीं? और हमारा अंतिम पद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। फिर उसका क्या है? 21 है, उसके बाद क्या है? 18 है, उसके बाद क्या है? 15 है, उसका क्या है? 12 है। अब आप गौर कीजिए, ऐसी परिस्थिति में ए का मान क्या होना चाहिए? शुरू से यदि बात करें तो ए का मान क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। लेकिन जैसे ही अंत से बोले तो ए का मान क्या हो गया? 132। क्या हो गया? 132 हो गया। क्या हो गया? ये 132 हो गया, ठीक है? तो बच्चे अक्सर जो है खास तौर पे इस टाइप के क्वेश्चन में जो है गलती करते रहते हैं। आप यदि यहाँ पे डी का वैल्यू निकालेंगे तो 15 - 12 यानी यहाँ जो है +3 का इंक्रीज हुआ, यहाँ भी +3 का इंक्रीज हुआ, यहाँ भी +3 का इंक्रीज हुआ। लेकिन यदि अंत से कहता है तो पहला पद जो है ये हो जाएगा, यानी और उसका अगला पद ये हो जाएगा, फिर ये इस टाइप से जो है ये आगे 12 पे आगे जो है ब्रेक लग जाएगा। तो जैसे ही इसको यदि हम लोग जो है घटते क्रम में जो है ना लिख लिए, घटते क्रम में जो है इसको लिख लिए, तो हमारा पहला पद क्या आ गया? 132 आ गया, ठीक है? डॉट 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 यानी सब में 3 का जो है ना क्या होगा इसमें? डिक्रीज हो रहा है, यानी घट रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्या था कि 3 का वृद्धि हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये घट रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हमको निकालना क्या है कि इसका 21वां पद निकालो, ठीक है? तो ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ 132 हो जाएगा। उसके बाद एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है? वेरी गुड, एन का वैल्यू हो जाएगा 21 हो जाएगा। उसके बाद डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगला पद माइनस पिछला पद, तो 18 - 21, 15 - 18, 12 - 15, इसमें क्या हो रहा है कि सब में जो है 3 का डिक्रीज हो रहा है, नहीं देख रहे हैं ना, सब में माइनस का 3 आ रहा है, तो डी का वैल्यू क्या हो गया हमारा? माइनस का 3 हो गया। मेरा फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो था, सेकंड पार्ट का जो वीडियो था, जिसमें पहला टाइप जो है केवल डी का मान ही निकालना था, उसमें तो आपको बताए थे, तो जो डी का मान जो है कैसे निकालते, यानी अगला पद माइनस
पिछला पद। उसके बाद जो है क्या करेंगे, हमारा ए का वैल्यू आ गया, एन का आ गया और डी का आ गया। अब क्या करेंगे, सवाल को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो टीजन निकालते हैं, और टीजन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। हमको निकालना क्या है यहाँ पे, टी 21 यानी 21 निकालना है। ओके, आप ध्यान दीजिए, ए का वैल्यू कितना हो गया हमारा 132 प्लस एन का वैल्यू कितना है 21 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है माइनस का 3। अब ये हो जाएगा हमारा 132 प्लस 21 माइनस 1 यानी क्या आ जाएगा ये 20। अब 20 गुने क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो ये हो गया 132। उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब 20 दिया क्या हो गया ये 60, क्या आ गया ये 60। अब इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे, दो में से यदि जीरो घट जाएगा तो जो है क्या जाएगा 2 आ जाएगा, 13 में से 6 गया तो 7, हमारा क्या हो गया ये इसका आंसर 72। चलिए एक क्वेश्चन को और देखते हैं, एक क्वेश्चन को और देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर है इसको भी सेम बनाएंगे, जैसे फर्स्ट में ए का मान 3 है और उसके बाद 8 है, उसके बाद जो है 13 है, उसके बाद जो डॉट 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 253 है यानी 253 है। इसमें भी क्या है कि अंत से निकालना है, तो जैसे ही अंत पहले सवाल को जो ना लिख लेते हैं, अंत से निकालना है तो ये हो जाएगा 253। सवाल नंबर 2 को उसमें सॉल्व कर रहे हैं, डॉट 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 13.8.3। अब इसमें भी जो है ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 253 हो जाएगा, एन का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे एक 20वां पद बोल रहा है तो 20 हो गया। उसके बाद डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें गौर कीजिए, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3-8 या 8-13, तो जो है क्या हो जाएगा सब में -5 का जो है क्या हो रहा है इंक्रीज मतलब डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि +5 का जो है इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, स्वाभाविक है कि जैसे ही शुरू से और अंत से, अर्थ से ही मालूम पड़ता है कि उल्टा है, क्या है उल्टा है, इसका विलोम है, तो हम क्या करेंगे, ये जैसे ही ये उल्टा है यानी यहाँ पे यदि +5 का इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या है -5 का जो ये डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है यहाँ पर, तो हमारा डी का वैल्यू क्या हो जाएगा -5। ए एन और डी तो निकाल लिए, अब हमको जो है क्या निकालना है टी 20 निकालना है। ठीक है, 220 मतलब टी 20 निकालना है, तो ए प्लस ए का वैल्यू क्या हो गया 253 प्लस एन, एन का वैल्यू क्या हो गया हमारा 20 माइनस का 1, अगुण डी का वैल्यू क्या है -5। ध्यान देखते रहिए, 253 प्लस में 20 माइनस से क्या बच जाएगा 19, 19 गुने क्या हो जाएगा ये -5। ठीक है, तो 253 हो गया, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और 19 पंचे वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब 95 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जो है लेस कर लेंगे, तो लेस कर लेते हैं तो 5 में से 3 में से 5 का खैर नहीं घटेगा, तो जो है क्या करेंगे यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो ये हो गया 4 और ये हो गया 13, 13 में से 5 गया तो जो है क्या बच गया ये 8, अभी बच गया कितना 4, 4 में से 9 क्या घटेगा नहीं घटेगा तो यहाँ से जो है 1 हासिल लेंगे तो ये क्या हो गया 14, 14 में से 9 गया तो कितना आ गया ये 5 और ये क्या हो गया हमारा 1, यानी इस क्वेश्चन का जो है 20वां पद हमारा क्या आ गया 158, क्या आ गया 158, तो यही क्या हो गया हमारा ये आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा कि 13-17-21 डॉट 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 89 का 7वां अंत से 7वां पद निकाले, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम जो है होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, आप इसको सॉल्व करके जो है आप इसका आंसर हमारा जो है कमेंट बॉक्स में जो है ना दे, और यदि वहां से भी नहीं होता है तो हमारा इंस्टाग्राम को फॉलो करें और वहां पे मैं इसका जवाब दूंगा। चलिए आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में। चलिए ये नेक्स्ट टाइप है, जरा इसको जरा देखते हैं कि टाइप नंबर जो है हम जो साथ लेकर के आए 6 खत्म हुआ है। इसमें क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 एवं सार्व अंतर 5 तथा अंतिम पद 209 है, तो पदों की संख्या निकालिए। ध्यान दीजिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन बराबर जो है आते ही रहता है, सारे टाइप का क्वेश्चन आपको हम जो स्टेप बाय स्टेप जो दे रहे हैं, और आपके पास घर पर चाहे एनसीईआरटी हो, आरटी शर्मा हो, भारती भवन हो, लुसेंट हो, ज्ञान गंगा हो, अदर कोई भी यदि मैथमेटिक्स आप घर पर रखे हैं और आप पढ़ते हैं तो उससे क्वेश्चन को बनाइए। यदि आपसे नहीं बनता है तो उसका फोटो खींच करके हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उस व्हाट्सएप नंबर पर जो है सेंड कीजिए, तब और जो है मैं आपको जो है उसको वीडियो बना करके जो है आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या होता है कि जो है ए का वैल्यू डी का वैल्यू
और एन का वैल्यू जो है मतलब तीनों में से किसी का, चार में से जो है किसी का जो है तीन वैल्यू दिया रहेगा और जो है एक वैल्यू निकालना होता है। इसमें क्या है कि डी का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है, टी एन जो है दिया है और हमको ए का मान निकालना है। फर्स्ट में क्या था कि इसमें एन का मान यानी पदों की संख्या निकालना था, और उसके बाद इसमें जरा देखते हैं कि ए का वैल्यू दिया है 7, डी का वैल्यू दिया है 2, टी एन दिया है 55, तो एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक नंबर और सवाल नंबर जो 3 है दोनों के दोनों सेम है। उसका देखिए इसमें क्या है, एन का वैल्यू है 50, टी एन दिया है 101 और डी का वैल्यू जो है दिया है 2, और तो हमको जो है क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वीडियो को जरा ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि मिस नहीं करना है, क्योंकि आप मिस कीजिए आप एग्जाम को जो है आपका मिस होगा। इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और कोशिश कीजिए कि घर पे जो है वीडियो को रुक रुक करके जो है आप इसको उतारें। चलिए हम आते हैं और देखते हैं किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 एवं सर्व अंतर 5 है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम टीएन का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेंगे, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमारा इसमें क्या बोल रहा है कि प्रथम पद, तो प्रथम पद यानी ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया 9, और उसके बाद जो है डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू क्या हो गया हमारा 5, क्या आ गया 5। उसके बाद दिया है टीएन, टीएन दे दिया है 209। अब देख लीजिए ए का वैल्यू हो गया, डी का वैल्यू हो गया, टीएन भी हो गया, इसमें क्या नहीं है, इसमें एन का मान नहीं है, तो एन का वैल्यू के लिए क्या करेंगे यहाँ पर वाट लिख देंगे, क्या लिख देंगे वाट। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखते जाइए, टीएन क्या दिया है 209, तो 209 रख देंगे, और उसके बाद ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 9। अब जो है क्या करेंगे, इसको एन का वैल्यू होता है एन माइनस वन इंटू डी, और डी का वैल्यू क्या है 5 दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया 209। ये जो 9 है इसको क्या करेंगे, इस टाइप यानी ये जो क्वेश्चन है इसको दो तरीका से हल कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं जो इसको कैसे जो है हम हल करेंगे। ठीक है, तो आप गौर कीजिए, और या नहीं तो एक इसका ट्रिक भी होता है, ट्रिक से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो तीन तरीका जो है आपको हम बताने जा रहे हैं, और आप ध्यान से देखिए जो कैसे निकाल लेते हैं तीनों तरीका से, ट्रिक से भी छोटा है, उसके बाद प्रोसेस में दो तरीका है वो आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट तरीका जो है क्या करेंगे, फर्स्ट टाइप जो है इसको 9 को जो है यहाँ पे दाएं साइड में जो है प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अभी आ गया एन माइनस वन इंटू क्या हो गया ये डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 200 बराबर क्या हो जाएगा, ये एन माइनस वन इंटू क्या हो गया ये 5, तो डी का वैल्यू क्या है 5। अब जो है 200 ये मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, चाहे वो दाएं साइड हो या बाएं साइड हो, जैसे ही हम लोग जो है चिन्हों का यानी सिंबल का जो है लेफ्ट एंड राइट करते हैं, दायां और बायां करते हैं, तो होता क्या है कि उसका सिंबल जो है चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, भाग से गुना, अब गुना से भाग। जैसे कि देख लीजिए, यदि माइनस में होगा इस साइड, माइनस प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, प्लस प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन याद रखना है आपको माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या देंगे, चिन्ह देंगे माइनस का ही, क्या देंगे, चिन्ह देंगे माइनस का ही। तो इस बॉक्स को जो है आप जरा इस चीज पे जो है थोड़ा सा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो कहाँ आ जाएगा ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया एन माइनस वन, काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा 40 पंचे 200, तो ये आ गया 40 बराबर क्या हो गया एन माइनस वन। आप क्या करेंगे, जो डिजिट है जो अंक है अंक को अंक के पास ले आएंगे, तो 40 वन यहाँ इस साइड माइनस में है, जैसे ही जो है माइनस को यदि इस दाएं साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में कितना आ गया 1 बराबर यानी एन। तो हमारा जो है ये जो है एन बराबर क्या आ गया 40 प्लस 1 जो है क्या हो गया 41, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर, तो एन का वैल्यू कितना आ गया 41। ठीक है, क्या आ गया 41। इसको एक तरीका से और देख सकते हैं, देख लीजिए इसका जो है एक और नेक्स्ट टाइप में क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप इस टॉपिक को जो है थोड़ा सा इसको यहीं पर जो है छोड़ देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा लेकर के जो है ना हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या दिया है हमारा कि 209 प्लस 9 प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब ये हो जाएगा 209 और ये आ गया 9 प्लस 5 गुने एन करेंगे तो जो है क्या आ जाएगा ये 5 एन, अब माइनस 1 गुने 5 जो है क्या जाएगा माइनस का 5। लेकिन यहाँ पे क्या किए थे कि 9 को लेकर चले आए थे 209 के पास, यानी इसको पहले इस अंक में से जो है घटा लिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या किए जो घटाए नहीं है। ठीक है, तो तरीका यही चेंज है। उसके बाद जो है 9 माइनस 5 क्या बच जाएगा आपका 4 बच जाएगा, तो 209 और ये हो गया 4 प्लस कितना आ गया ये आपका
फाइव एन। अब क्या करेंगे, डिजिट को डिजिट के पास और नंबर को नंबर के पास रखेंगे, यानी अंक को अंक के पास ले आएंगे। तो ये हो गया 209 और चार यहाँ प्लस में इस साइड लाएंगे तो जो कहाँ जाएगा माइनस में, बराबर क्या हो गया ये 5n, यानी लिख सकते हैं 5n बराबर घटा दीजिए इसको, जो कितना हो जाएगा ये 205 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 205, तो n बराबर क्या आ जाएगा हमारा 205 बटे क्या हो जाएगा ये 5। यदि इसे काटते हैं तो काटिए, पाँच चौके कितना हो गया ये आपका 20 और पाँच का 5, तो कितना आ गया n का वैल्यू ये 41, यानी 41 आ गया। क्या आ गया 41। यदि इसे ट्रिक से जो है देखते हैं तब गौर कीजिए, ट्रिक से इसको जो है ना कैसे बनाएंगे वो आपको हम बताने जा रहे हैं, देखते रहिए ट्रिक से इसको जो है कैसे बनाएंगे। तो ट्रिक क्या करना है आपको, इसमें क्या निकालना है एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एन के वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि टी एन माइनस ए डिवाइडेड बाय डी प्लस वन को जो है ना क्या करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में लगा लेंगे। अब टी एन कितना दे दिया है 209, अब माइनस ए का वैल्यू क्या दिया है 9 बटे डी का वैल्यू क्या दिया है 5, प्लस में क्या हो जाएगा ये 1। अब वर्क कीजिए ये कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ये बटा कितना हो गया ये 5, प्लस कितना आ जाएगा ये 1, 40 पंजे कितना हो जाएगा ये 200, तो क्या हो गया 40 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 41। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो यदि आपको ट्रिक से निकालना हो तो आप ट्रिक से ऐसे निकाल सकते हैं। तो जब ऑब्जेक्टिव में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो ज्यादा बहस नहीं करना है, ज्यादा जो है इसको जो है रफ नहीं करना, क्योंकि समय ज्यादा जो है आपको लगेगा, इसलिए क्या जो ट्रिक्स पे निकालना है डायरेक्ट टी एन में से ए को घटा लेंगे, डी से उसको भाग कर लेंगे, टी एन में से ए को घटा लेंगे, डी से उसको भाग कर लेंगे, प्लस में वन जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वन है एन माइनस वन ये माइनस में है, ठीक है, इसीलिए जो क्या करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं। चलिए आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या है, इसमें ए का मान निकालना है, डी का मान दे दिया है, एन का मान दे दिया है, टी एन भी दे दिया है, तो हमको क्या निकालना है इसमें ए का मान निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को जो देखते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप जो है पढ़ते रहिए। चलिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को लेते हैं, सवाल नंबर 2 को लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हम टी एन का जो सूत्र होता है वो लिख लेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप गौर कीजिए इसमें हमारा ए का वैल्यू तो खैर निकालना ही है, लेकिन टी एन क्या दिया है 12 दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है ए का वैल्यू तो हमको फाइनल करना है, निकालना ही है। उसके बाद ये एन का वैल्यू क्या हो गया 11, माइनस में कितना आ गया ये 1। उसके बाद क्या करेंगे, डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4, ठीक है। अब ये हो गया 12 ए प्लस, ध्यान दीजिए 11 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा ये 10, 10 गुने क्या हो जाएगा ये 4, ओके। अब हो गया 12 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 10 चौके 40। अब क्या करेंगे हम अंक को अंक के पास ले आएंगे तब तो मान निकलेगा ना, तो 40 यहाँ प्लस में है इस साइड, जैसे ही इसको जो है हम बाएं साइड लाते हैं तो कहाँ चला जाएगा ये माइनस में, तो क्या हो गया माइनस में 40 बराबर क्या आ गया ये घटा देंगे तो जो कितना आ जाएगा माइनस का 28, कितना आ जाएगा ये माइनस का 28। तो ए बराबर कितना हो गया माइनस का 28, क्या हो गया माइनस का 28। तो जैसा कि आप देख पाए इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपको ए का मान भी निकालना होगा, कभी कभी डी का मान भी निकालना होगा, तो ऐसी परिस्थिति में इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में रहता ही है, इसीलिए आपको जो है मिस्टेक नहीं करना है और इस टाइप के क्वेश्चन को 100% एग्जाम में बना करके आना है। आपके लिए जो है ये 2 क्वेश्चन जो है हम क्या किए हैं होमवर्क के रूप में जो है दे दिए हैं, जैसे कि एक ए का मान 7 है, डी का मान 2 है, टी एन 55 दिया है, तो एन का मान निकालना है, सेम क्वेश्चन है पहले की तरह। उसके बाद जो है एन का मान 50 है, टी एन दे दिया 101, उसके डी का वैल्यू जो है 2 दिया हुआ है, तो हमको ए का वैल्यू जो है ना फाइंड करना है। तो ये भी क्या है इसका ही सेम टू सेम है, इसके लिए क्या कीजिएगा आप इसी टाइप से जो है ना बनाइएगा और आप एग्जाम में गलती ना करें। चलिए आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में। देखिए ये मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के, टाइप नंबर जो है ये हम 8 लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, और ये टाइप खास तौर पे बहुत ही ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, इसको जो है सही से जो देखते रहे, क्योंकि ये जो टाइप है ये आपके लिए हर बार जो है ये एग्जाम में आता है, लगभग आगे साल भी आया था, उससे पहले भी आया था, ये लगभग क्वेश्चन जो है हर बार जो है एग्जाम में ये आते ही रहता है। इसके लिए क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को बराबर जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, और समांतर श्रेणी का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो है ये टाइप क्वेश्चन सबसे अधिक बच्चे को बनाने में जो है क्या होता है मजा आता रहता है। तो मैं चाहूंगा कि आज का जो ये पार्ट है, पार्ट 3 जिसका ये लास्ट टाइप दिन आज लेकर के आए हैं हम आज इस वीडियो में, तो ये टाइप नंबर जो 8 है इस
टाइप नंबर 8 को जो आए आप सही से देखें और इसे समझने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए कि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 तथा नौवा पद 7 है। देख लीजिए और ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कह सकते हैं। तो किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 तथा नौवा पद 7 है, तो समांतर श्रेणी एवं उसका 16वां पद निकाले। इसमें क्या होता है, जो आपको कुछ पद ना तो इसमें ए का मान दिया रहेगा और ना ही डी का मान दिया रहेगा और कह देगा जो इसका समांतर श्रेणी निकाले। श्रेणी के बाद कोई जो है 16वां पद निकाले, 15वां, यानी कोई सा भी टर्म जो है आपसे पूछ सकता है, कोई सा भी पद जो है निकालने को वो पूछ सकता है, इसका निकाले। तो ऐसे कंडीशन में हम आज ले करके आए आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन इस टाइप का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और सेकंड में क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का आठवां पद 12 एवं किसी समांतर श्रेणी का आठवां एवं 12वां पद, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है, यहाँ क्या है कि पांचवां पद 11, नौवां पद 7 है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि दोनों जो एन का वैल्यू है पहले ही दे दिया है। ठीक है, इसीलिए गलती ना करेंगे आप लोग, एग्जाम में जरा इसको सही से बना के लेके आएंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं पांचवां पद 11 जैसे यहाँ पे दिया इसको जो है समझ से बना के आ जाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आठवां एवं बारहवां पद क्रमशः -23 और -39 है, यानी इसका वैल्यू ये हुआ और इसका वैल्यू ये हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले करेंगे क्या कि हम इसमें ए और डी को मान को जो है मान लेंगे। तो क्या करते हैं, माना कि, क्या करेंगे, माना कि प्रथम पद बराबर ए तथा चार अंतर बराबर डी। ध्यान दीजिए इसमें क्या करेंगे कि प्रथम पद ए मान लेंगे, सर्वांतर क्या करते हैं हम यहाँ पर डी मान लेते हैं, क्या कर लेंगे, डी मान लेंगे। ठीक है, प्रश्न से क्या करेंगे आप, प्रश्न क्या कहता है कि पांचवा पद 11 क्या है, पांचवा पद यदि एन का वैल्यू जो है कितना है, एन का वैल्यू 5 है, तो इसका टीएन वैल्यू क्या हो जाता है, इसका टीएन वैल्यू क्या हो जाएगा, 11। पांचवा पद 11 है, क्या है, पांचवा पद 11 है। ठीक है, इसको दो भागों में काट लेंगे, और यानी तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे उसके बाद जो इसको सॉल्व करेंगे। पांचवा पद 11 है, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि नौवां पद 7 है, तो यहाँ पे भी जो है ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एन का वैल्यू क्या हो, नौवां पद है, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और टी एन क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, गौर से जरा इसको देखते जाइए। अब क्या करेंगे, टी एन का फॉर्मूला इसको बैठाएंगे, तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे इसको, इस पे जो ना बैठाएंगे, टी एन का वैल्यू क्या जो है ना यहाँ पे जो ना दिया है 11 प्लस ये हो जाएगा ए प्लस एन का वैल्यू क्या दिया है 5 माइनस वन इक्वल टू जो है डी। अब ये हो गया ए प्लस 5 माइनस वन इंटू क्या जाएगा 4 इंटू डी क्या हो जाएगा 4d, 11 जो है इसको यहाँ पे जो रख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा ए प्लस 4d इक्वल टू 11 लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक। अब क्या करेंगे इस टाइप से, इसमें भी करेंगे या तो इसको यहाँ पे मतलब एग्जाम में क्या करना है आपको, इसके नीचे ही लिखकर के आना है। ठीक है, हम तो केवल समझाने के लिए आपको जो है पार्ट बाय पार्ट यहाँ पे जो है बांट दिए हैं, आपको क्या करना है जो इसके नीचे में ही लिखना है। तो इसके नीचे में लिखेंगे फिर ए का मान, डी का मान, एन का मान और टी एन का मान। तो फिर यहाँ पे जाने क्या करेंगे हम, फिर टी एन निकाल लेते हैं, फिर जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सूत्र को जितने ही ज्यादा आप लिखिएगा प्रैक्टिस आपके लिए खास उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तो यहाँ पर ए का वैल्यू टी एन कितना दिया हुआ है, टी एन दिया हुआ है 7, और ए का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है। चलिए और ये हमारा एन का वैल्यू क्या हो गया 9 माइनस वन इंटू डी, अब ये हो गया 7, और ये आ गया ए प्लस 9 माइनस वन इंटू जो है 9 माइनस वन 8 आ गया इंटू डी, या जगह 7 इक्वल टू ए प्लस का 8d, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 8d इक्वल टू 7, ये क्या आ गया यहाँ समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन जो है हमारा बनकर, समीकरण बनकर जो है तैयार हुआ। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, वीडियो को रुक करके जो है इसको आप उतार ले, कॉपी में नोट्स कर ले, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये टाइप का क्वेश्चन जो है अच्छा रहेगा। तो क्या था, ए प्लस 4d, क्या था, ए प्लस 4d
इक्वल टू 11 इक्वेशन फर्स्ट, फिर हो जाएगा a प्लस का 8d इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ये था हमारा दो इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को बनाने के लिए आपको जो है पांच विधि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपको सिखाए हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, लुप पहला तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, वज्र गुणनखंड विधि, अनुपात निर्णय विधि, और उसके बाद एक इसको या तो ग्राफीय विधि से भी निकाल सकते हैं, और लास्ट जो ऑप्शन है अपने पास वो है अनुमान विधि। तो अनुमान विधि से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अनुमान विधि से निकालने के लिए ध्यान दीजिए, अनुमान विधि से निकालने के लिए जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो इसको देख करके ही अनुमान विधि यानी बिना कॉपी कलम छुए ही निकाल देना है इसका आंसर, और वो आपको सिखाए हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि ए और डी दोनों में किसी एक को इक्वल करना होता है, ठीक है। यदि इक्वल है यानी बराबर है तो ठीक है, बराबर नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो है उसको लाया जाता है। यदि ए को करेंगे जो है इक्वल तो मतलब जो है यानी नीचे का ए ऊपर जाएगा, ऊपर का यानी किस अंक से जो है गुना करेंगे ताकि वो जो है दो अंक जो है बराबर हो जाए, एक अंक जो है ए चाहे डी बराबर हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज जो है ऑलरेडी बराबर है, तो क्या है वो ए बराबर है, क्या है वो ए बराबर है, क्या है वो ए बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो अच्छा बोलिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे करना क्या है हमको, यहाँ पे ए तो इक्वल है, सही बात है आपका, ए क्या है इक्वल है। जब ए इक्वल है तो आप ए के साथ कौन सा ऐसा संबंध रखा जाएगा ताकि ये जो है कट जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि ए के साथ यदि यानी प्लस देंगे कि माइनस देंगे, यदि प्लस देते हैं तो ये दोनों जोड़ के ये भी जोड़ के जो है समीकरण मेरा तीन बन जाए के जो है इक्वेशन, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। क्या करेंगे घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे और घटाएंगे तो जो है क्या हो जाएगा प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। याद रखिएगा कि जब इसमें घटाएंगे तो ऊपर के चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे जोड़ेंगे भी तो ऊपर के चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, ये नीचे के चिन्ह में बदलाव होगा। यदि प्लस होगा घटाएंगे तो माइनस आएगा, माइनस होगा घटाएंगे तो प्लस आएगा। अब इसको क्या किए हैं हम, घटाने पर लिखे हैं, क्या किए हैं घटाने पर लिखे हैं। तो ए से ए क्या हो गया कट गया, आप बच गया प्लस का 4d और माइनस का 8d, जो है क्या बच गया माइनस का 4d, 11 माइनस 7 इक्वल टू क्या बच गया 4, ओके। अभी डी से जो है डी का 4, ये जो 4 मल्टीप्लाई में है, यदि इसको जो है राइट साइड लाएंगे तो कहाँ जाएगा ये डिवाइड में कट जाएगा, तो जो कितना जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस। आप क्या करेंगे डी का वैल्यू जो है समीकरण एक में दीजिए चाहे दो में दीजिए, बात क्या होगा बराबरी होगा। तो क्या करेंगे डी का मान समीकरण एक में रखने पर, एक का मान ए में क्या समीकरण एक में ए प्लस का 4d तो 4 इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू क्या आ गया ये जो है 11। अब ए प्लस माइनस माइनस 4 इक्वल टू 11, आप यदि ये माइनस में इस साइड लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगा 11 प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 15। चलिए तो हमारा ए का वैल्यू कितना आ गया 15 यानी 15 आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या जो हम पहले ap निकाल लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे ap निकाल लेंगे। ap के लिए क्या होता है a प्लस का d a प्लस का 2d a प्लस का 3d डॉट डॉट डॉट। तो इस टाइप से आपको जो है हम इस टाइप से जो है आपको हम पहले जो है सिखा चुके हैं, मतलब पहले ही पार्ट में आपको करना क्या है कि इस टाइप से पहले हम इसमें जो है ap निकाल लेंगे। तो हमारा a का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया 15 और डी का वैल्यू तो ए माइनस ए प्लस डी यानी ए घट जाएगा तो जो क्या आ जाएगा ये 14 आ जाएगा, फिर ए प्लस 2d तो 2 इंटू माइनस 1 तो यानी जो 13 आ जाएगा डॉट 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 इस टाइप से आ गया। अब इसका निकालना हमको 16 वहाँ पर, ठीक है, तो जो क्या कर देंगे ए प्लस एंड माइनस 1 इंटू डी। अब हमारा ये ए का वैल्यू कितना हो गया, गौर कीजिए ए का वैल्यू हो गया 15, क्या है ए का वैल्यू 15 प्लस क्या करेंगे 16 माइनस 1 गुने क्या कर लेंगे डी का वैल्यू क्या माइनस का 1 है तो 15 प्लस क्या हो जाएगा 15 गुने माइनस का 1 यानी 15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस क्या जाएगा ये 0। तो हमारा ये 16वां पद क्या आ गया 0, तो यही क्या हो गया इसका आंसर, क्या हो गया 16वां पद 0 और यही क्या हो गया आंसर। तो इसी टाइप का क्वेश्चन यदि आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में।